डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑल टुडे वी आर डिस्कस टू क्लास इलेवंथ बायो चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक नेम है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि बहुत सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ़ लिविंग थिंग्स और उसमें मोस्टली टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने कवर किया नामन को कवर किया नामन के रूल पढ़े नामन की बायोनॉमी नामन के फार्मूलेज पढ़े इट्सेट्रा करने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए यहाँ पे आ गए थर्ड टॉपिक है आपकी जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है उसका नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बाद आपकी इस्माल इसमाल दो तो तीन टॉपिक हैं जैसे कि जुलॉजिकल पार्क है बोटनिकल गार्डन है ठीक है और उसके बाद हरवेरियम फार्मेशन है ठीक इत्यादि चीज़ें हैं जिसे हम लोग इजली कर लेंगे और आई होप कि सेकेंड वीडियो में ए, इसके बाद वाले सेकेंड वीडियो में यह yeah, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट वी आर डिस्कस टू क्ला एन क्वेश्चन एंड आंसर देन इस इस चैप्टर का फिर हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्लास करेंगे क्योंकि जो क्लास हम लोग पहले उसका वो कर लेते हैं एन सी आर बेस पर कर लेते हैं फिर उसे डिस्क्रिप्टिव क्लास करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए चूँकि आपका साथ ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और उसी ऊर्जा के बल पे हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं जितना आप लोगों का प्यार और साथ मिलता रहेगा उतना बेहतर आपका काम चलता रहेगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे पहले आप देखिए क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस कह रहा है क्लासिफिकेशन कोई सिंगल प्रोसेस नहीं हमने उठाया और उसे क्लासिफाई कर दिया बल्कि यह है एक क्या है, है? प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हेरेची ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंटेड द रैंक ऑफ द कैटेगरी कह रहा है कि इसमें कई स्टेप आते हैं और हर एक स्टेप कैटेगरीज की रैंक को आइडेंटिफाई करता है कोई ना कोई रैंक होगी और वह रैंक किसी न किसी कैटेगरीज के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क का कार्य करती है तो ये सिंगल स्टेप नहीं है कि वन स्टेप में हमने इसे कम्प्लीट कर दिया बल्कि कई स्टेप हैं और वो स्टेप अपने आप में एक यूनिक फीचर लिए हुए हैं तो इसीलिए इसको हम हेरेची के रूप में रखते हैं सिंस द कैटेगरीज इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी चूंकि यह एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के कैटेगरीज में आते हैं इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सोनॉमिक हिरेची और सभी कैटेगरीज आपस में मिलकर के टेक्सोनॉमिक हेरेची का फॉर्मेशन करते हैं ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज ए यूनिट आप क्लासिफिकेशन सभी एक, एक एक यूनिट के क्लासिफिकेशन होते हैं इनफैक्ट रिप्रेजेंटेड रैंक एंड इज कॉमनली टर्म रेज टेक्सॉन या टेक्सा इन्हें हम लोग क्या कहते हैं टेक्सा कहते हैं या टेक्सॉन कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी रिर्ची कैन बी आइसोलेटेड बाई एन एग्जाम्पल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट रिप्रेजेंटेड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स कह रहा है कि इंसेक्ट जो होते हैं जो कीट होते हैं यह एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स को फीचर को रखाता है अपने पास या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स के करेक्टरिस्टिक फीचर को शेयरिंग करता है जैसे कि थ्री पेयर इसके पास लेग होते हैं एंड ऑफ जॉइंटेड लेग इसके पास क्या पाए जाते, है? जाते हैं जॉइंटेड तीन पेयर लेग पाए जाते हैं यानी सिक्स लेग पाए जाते हैं थ्री पेयर लेग होते हैं नंबर में अगर बात करें तो सिक्स लेग होते हैं तो थ्री पेयर लेग होते हैं लेकिन थ्री पेयर लेग के साथ साथ ये जॉइंटेड लेग होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक फीचर है किसका इंसेक्ट का इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकोगनाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड यानी अगर ये

और कैटेगरी से क्या बनता है रैंक और ईच रैंक आर टेक्सान और सभी रैंक क्या है अपने आप में एक टेक्सा है इनफैक्ट रिप्रेजेंटेड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंग बायोलॉजिकल इंटेंटी एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल लिविंग आर्गमेंट देखिए इसको पढ़ लीजिएगा इसमें जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं वो किसको लीड करती हैं तो उसमें आपको बताया गया किंगडम होता है फाइलम होता है डिवीजन होता है क्लास होता है डिवीजन किस में पाया जाता है इन प्लांट में पाया जाता है तो देखिए यहाँ पे किंगडम होता है फाइलम होता है डिवीजन अथवा डिवीजन होता है डिवीजन किस में होता है प्लांट में होता है क्लासेस होते हैं ऑर्डर होते हैं फैमिली होता है जीनस एंड स्पीज ऑल ऑर्गन इंक्लूडेड दोज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम यू हैव स्पीसीज सच एज द लोवेस्ट कैटेगरी दोनों में स्पीसीज क्या है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है बाकी सभी अपर कैटेगरी में यानी आपको इधर से इधर चलना है ठीक पहले आप लिखेंगे किसको किंगडम फाइलम जीनस स्पीसीज ठीक लेकिन यहाँ पर स्पीसीज क्या होगा आपका लास्ट कैटेगरी के रूप में आता है नाउ द क्वेश्चन यू में आज हाउ टू प्लेस एन आर्ग इन बेरीज कैटेगरी हम कैसे इन्हें बैरीज कैटेगरी पे प्लेस करेंगे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज आप कैरेक्टर्स ऑफ एंड इंडिविजुअल्स आर ग्रुप इन है कि इसके कैरेक्टर के आधार पे इसके ग्रुप को हम लोग इंडिविजुअल के ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे यानी बनाने का काम करेंगे दिस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन सिमिलार्टी एंड डिसमिलरिटी एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ आर्गनीज एज वेल एज अदर काइंड ऑफ आर्गनिंग कह रहा है कि इसमें जो हेल्प करेगा वो है उसकी सिमिलारिटी उसकी डिसिमिलारिटी, उसका इंडिविजुअल का बिहेवियर और सेम काइंड आर्गनिंग इन सब के माध्यम से हम इसे क्लासीफाई करेंगे कैटेगराइज करेंगे ताकि हमको ये क्लासीफिकेशन क्लियर होता चला जाए चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है इस्पेिक